मतलब है। यहोवा गिरेवों को उठाता है, यहोवा आगे बढ़कर थाम लेता है, यहोवा सरफराज या सर बुलंद करता है। यूनानियों के देवता, यूनान के लोग देवता की पूजा करते हैं, उस देवता का नाम, उस देवता का नाम ओलंपिक है। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ओलंपिक देवता के नाम से बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं, टूर्नामेंट किए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े टूर्नामेंट उसी देवता के नाम से किए जाते हैं। और ये यूनानियों का देवता है, और यूनान के लोग इसे खुशहाली का देवता कहते हैं, यूनान के लोग इसे प्रॉस्पेरिटी का देवता कहते हैं। यूनान के लोगों का ईमान है कि दुनिया में जलजले, दुनिया में तूफान, दुनिया में जितनी तबाही बर्बाद होती है, ये हमारा देवता ओलंपिक करता है। और ओलंपिक देवता जब इंसानों से नाराज होता है तो वो क्या करता है, उस पहाड़ से जिस पहाड़ का नाम ओलंपिक है उतर आता है, और जमीन पर लोगों को बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, लोगों को मफलूज कर देता है, फालिज हो जाता है, लोग तरह तरह की बीमारियों में गिर जाते हैं। और फिर हमारा देवता ओलंपिक पहाड़ के ऊपर बैठकर लोगों को देखता है, जलजले आते, तूफान आते, सैलाब आते, दुनिया के लोग मरते, बीमार होते, और हमारा ओलंपिक देवता वहां पर बैठकर इंसानों का तमाशा देखता है। और वो कहते हैं, जमीन वालों ने मुझे दुख दिया था, मुझे माना नहीं था, मेरी पैरवी नहीं की थी, इसलिए मैंने इनको गिरा दिया, बीमार कर दिया। लेकिन सुनिए, आज रात जिस यहोवा की इंजील मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, उसका काम किसी को गिराना नहीं, उसका काम किसी को मारना नहीं, उसका काम किसी को बीमार करना नहीं, बल्कि वो गिरे हुए को उठाता है जिसकी वर्शिप के लिए जगह पर इकट्ठे हुए।